हेलो वसम गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरी क्रिसमस। तो आज हम लोग क्रिसमस के शुभ अवसर पर इस घर को सजाने वाले हैं। तो मैं इस घर को डेकोरेट करूंगा और बहुत सारा डेकोरेटिंग टिप्स भी दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से बिना किसी देरी के। तो गाइस, इस घर को डेकोरेट करना है और हम डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे इन सारे ट्री से, और ये भी शायद से क्रिसमस ट्री ही हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, आपको सबसे पहले लेना है डिफरेंट कलर का ग्लास और सी लैक्टन, और मैं इसको डेकोरेट करूंगा यहाँ से ऊपर से। तो सबसे पहले ये वाला लीफ तोड़ते हैं, इसके नीचे वाला वुड भी तोड़ देंगे, उसके अंदर लगाएंगे सी लैक्टन, और जो डिफरेंट ग्लास मैंने लिए थे उनको इसके ऊपर इस टाइप से प्लेस कर दूंगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसका लुक बहुत सही आने वाला है। मैं एक बार करके पूरा दिखा देता हूँ। ये हो गया डिफरेंट, ये इस टाइप से कुछ हो गया, और इसके ऊपर एक और नया कोई ग्लास लगा देता हूँ, ये ऐसे, और इस टाइप का ये इसका टॉप हो गया। और अब इसका नीचे के बारी है, तो इसको भी करते हैं फ्राक। तो गाइज, मैंने इस ट्री को कुछ इस टाइप से डेकोरेट किया है। इसमें मैंने यूज़ किया है इंड्रॉड, सी इलेक्ट्रन और डिफरेंट कलर के ग्लासेस, और इसी टाइप से मैं पूरे को उसी टाइप से डेकोरेट कर देता हूँ। और ये ऐसे दिन में देखने में कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं इसको रात में आपको दिखाता हूँ एक ही बार। तो गाइज, फाइनली ये हो चुका है कंप्लीट। अब टाइम है इसको कुछ डिफरेंट लुक देने का। तो क्रिसमस का लुक देने के लिए सबसे पहले हमको इसमें रेड और वाइट का कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका जो साइड का बॉर्डर है इसको हम कर देंगे रेड, और ये हो जाएगा वाइट। वाइट और रेड क्रिसमस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो फटाक से उसको भी करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, फाइनली ये इतना हो चुका है कंप्लीट। मैंने इसका जो साइड वाला बॉर्डर था इसको मैंने कर दिया कंप्लीट। अब टाइम है इसको कंप्लीट करने का। ये जो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे ऊपर, इसको भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं इसी टाइप से फटाक से। तो गाइज, मैंने इसको भी कर दिया कंप्लीट, और यही नहीं, मैंने उसको भी और इसको भी सबको कर दिया कंप्लीट। ये कुछ इस टाइप से अब दिख रहा है। अब टाइम है इसका एरिया कंप्लीट करने का, मतलब ये जो मेरा मॉडर्न हाउस है इसके अगल बगल का जितना भी एरिया है मैं इसको भी डेकोरेट करूँगा। तो इसको फटाक से डेकोरेट करते हैं। तो गाइज, मैंने डिसाइड किया कि इसके अगल बगल हम लगाएंगे सी लैक्टन, इस टाइप से मैंने लगा दिया है, और भी लगा देते हैं। और इसके साथ हम कहीं कहीं प्लेस करेंगे ये रेड स्टोन ब्लॉक, इससे लुक थोड़ा बहुत सही आने वाला है। तो इसी को हम फटाक से पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने कर दिया इसको कम्प्लीट, और अब ये देखने में बहुत सही दिख रहा है। तो मैंने इस टाइप से इसको कुछ कंप्लीट किया है, और मैं इधर भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, मेरा घर हो चुका है पूरा कंप्लीट, और अब ये देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। मेरे को तो बहुत सही दिख रहा है, लेकिन पता ना आपको कैसा दिख रहा है, आप भी कमेंट करके बता देना। तो मैंने इसको डेकोरेट किया कुछ इस टाइप से, और आप भी कुछ डिफरेंट कर सकते हो इसी को थोड़ा बहुत आप डिफरेंट कर सकते हो। तो गाइज, मेरा डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट, और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चाहते हो कि ये घर मैंने कैसे बनाया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाकर देख लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।